ना जल्दी से डब्बा खोल लेते और देखते अंदर क्या क्या है, ठीक है। हमें तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है यार, सोफा ना खास तौर पे बहुत बढ़िया लग रहा है यार। गाइस अपने मोटापे को लेकर ना मैं बहुत दुखी हूँ। ओए हमारे घर का सबसे फिट इंसान ये रहा, छोटा बाउंसर तो तैयार हो रहा है अभी, हमारा एक बाउंसर तो तैयार कर रहे हैं अभी ये रहा। मौसम ही कुछ अलग हो गया, गजब। 5 बजने को है शाम के। सर हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह पे जो हमारे हिंदू धर्म में ना, हमारे सनातन धर्म में नीरज नेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को अभी हम लोग कहाँ हैं। वैसे तो आप लोगों ने देख के गैस कर ही लिया होगा कहाँ पे हैं। तो आज हम लोग आए थे अपने नए घर पे और यहाँ पे देखना था थोड़ा सा फर्नीचर, दोबारा से मन कर गया था हमारा को देखने का और घर की थोड़ी सी सफाई करनी थी यार। तो इस चक्कर में हम लोग आज आ गए थे यहाँ पे। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, कितना हो गया मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम बताने एक बार। तो 4:25 हो गए हैं शाम के। दोस्तों टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बहुत ही अनोखी चीज जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछले बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था बाय करने के लिए, सो फाइनली ले चुके हैं हम लोग Insta360X3। तो चलिए वक्त जाया ना करते हो ना, जल्दी से डब्बा खोल लेते और देखते अंदर क्या क्या है, ठीक है। अरे सो गाइस बात कुछ ऐसी है कि यार इसको लिए हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका है। अनबॉक्सिंग मैंने पहली कर ली थी तो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। सो बॉक्स के अंदर बता देता हूँ आप लोगों को, एक मेरे को केस मिला था Insta360 का पाउच जो होता है वो मिला था। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्क्रैच से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब चीज़ है। सो ये रहा Insta360 कैमरा और ये देख लेते हैं जी। टिंग टिंग तो ये है जी Insta360। सो जी ऑन हो चुका है Insta360। बाकी जैसा कि आप लोगों को बताया कि आने वाले टाइम में अपने व्लॉग्स में आप Insta360 के शॉर्ट्स भी बहुत सारे देखने वाले हो। चलो इसको रखते हैं साइड में, अब देखते हैं जी नई चीज। तो मैंने अपनी व्लॉगिंग के लिए एक और अपग्रेड करा है। तो जी हाँ ये है iPhone 15 Pro Max, मतलब हाई एंड है अभी एप्पल का आईफोन में और 512 GB रैम है इसकी। तो मेरे पास इससे पहले था iPhone 14, अपग्रेड करके मैंने ले लिया iPhone 15। तो देखो जी फोन की लुक देख लो यार। चलो जी अनबॉक्स कर लेते हैं एक बार। सो गाइस बात कुछ ऐसी है, इसको मैंने लिया था मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद, मतलब 25 मार्च को, और यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस वही है, यूज़ मैं कर रहा हूँ इसको। अनबॉक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे लेके आ गया था और आप लोग देख ही सकते हो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ब्लैक कलर तो अलग ही है, मतलब। चलो कमेंट करके बताना ये 2 चीज़ें देख के आपको कैसा लगा आने वाले ब्लॉग्स में, मतलब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। व्लॉगिंग चलेगी इससे अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स से और उसमें आप शॉर्ट्स देखेंगे, जो मिक्सिंग रहेगी वो रहेगी Insta360X3 की, क्योंकि यार बहुत ही अच्छा कैमरा है वो। और बाकी आप वीडियोस में देख के बताओगे आगे चल के। सो जी घर पे हमारा चाय पीने का मन बहुत था बट टाइम नहीं था, तो मम्मी घर से चाय बना के ले आई थी और ये नमक पारे मैं आज ही लेके आया था पाल डेयरी से, उनके नमक पारे बड़े अच्छे होते हैं। ये काट भाई चाय और नमक पारे, मजा आ गया यार। मुझे पता है मेरा मोटापा बिल्कुल चरम पे पहुंच चुका है, पिछले बहुत टाइम से इसको इग्नोर करता आ रहा हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि बहुत, बस क्या बताऊं, ये देखो ना, ये देखो मोटापा। तो बहुत जल्दी अब इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं, कर ही चुके हैं तैयारी पूरी। होपफुली कुछ महीनों में आप एक सब नया करेंगे, मिलके वेट कम हो। नया नीरज नहीं, पुराना नीरज जो हुआ करता था पतला एक टाइम पे, वापस वही नीरज बन के दिखाऊंगा। इनके साथ नमक पारे खा लूं पहले मैं। जो करना है आज से करना चाहिए, रोज कल 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 पे कुछ नहीं होगा। हर कम करेंगे यहाँ पे मेहनत। वो देखो उसको, उसकी डाइट हमें लेनी पड़ेगी, छुटकी की डाइट, बाबू की डाइट हमें लेनी पड़ेगी, तब पतले होंगे हम। और साथ ही हम अपने आज लेबर भी लेके आए थे, मोटी
सोफा खिंचवाने के लिए। तो हमें थोड़े हट्टे कट्टे लोग चाहिए थे सोफा वगैरह खिसकाने के लिए, तो इसी चक्कर में हम लेके आए हैं। बाकी एक बाउंसर हमारा यहाँ बैठा हुआ है। तो छोटा बाउंसर तो तैयार हो रहा है अभी, हमारा एक बाउंसर तो तैयार कर रहे हैं अभी। ये रहा, हमने रास्ते से ही पिक कर लिया था, उसके घर भी नहीं गए थे, ये लगा लो नीचे वेट करते रहे, ये जल्दी से आ गई थी और फिर हम लोग आ गए अपने घर में। सो यार कमेंट करके बिल्कुल बताना नया वाला घर लग क्या सर है। हमें तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है यार, सोफा ना खास तौर पे बहुत बढ़िया लग रहा है, टाइल्स के साथ मैच कर रहा है ये। तो भाई साफ सफाई तो पूरी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे नन्हे से उस्ताद भी लगे हुए सफाई करने में। अरे मैम कुछ कहना चाहेंगे आप सफाई के बारे में? सफाई गंदा करने में लगेगा, हम जितना साफ करें वापिस। तो गोलू लगी हुई है यहाँ पे सफाई में। हाँ मी, ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है यार। मिट्टी नहीं है वो, की कह रहे हो? बहुत झुक के करना पड़ रहा है, इतना ऊंचा करवाना है ना। हाँ तो ईद चली गई ना, बंदा कह रहा था ईद के बाद करेगा वो, कह रहा था। हाँ सर, ये पोछे वगैरह ना कल परसों में लेके आए हैं मम्मी मैं पापा, काफ़ी शॉपिंग करके आए थे बाहर से। पोछा यहीं के लिए लिया था हमने, वैक्यूम क्लीनर की पाइप वो पड़ी, वैक्यूम क्लीनर भी लेके आ गए, इसमें भी चलाएंगे। बेड के अंदर ना वो लकड़ी का बरूदा बुरादा जो भी होता है वो पड़ा हुआ है, वो निकालना है। यार गाइस अपने मोटापे को लेकर ना मैं बहुत दुखी हूँ, पिछले बहुत टाइम से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, जमाने भर से नाइट शिफ्ट कर करके हालत देख लो, ये देखो ये देखो, ये मेरा पूरा बर्थ मार्क फेस पे आ गया। चलो ये तो कोई नहीं, भगवान ने जैसा बनाया जैसा स्किन वगैरह दी है ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे लिए ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मात्र 3 से 4 दिन हमारे अपने नए घर में शिफ्ट होने में। तो पूजा का व्लॉग बनाएंगे, जो मंडे को हमारी पूजा होनी है, ये कमिंग मंडे। और फिर मेरे, मैं सच बताऊँ ये पतले होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, होपफुली काम करेगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत जी तोड़ कर रहा हूँ। और तो कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है वो। खैर मैं भी कुछ ऐसा व्लॉग वगैरह में दिखा नहीं रहा, पर पिछले 3-4 दिन से चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। नए घर में शिफ्ट होंगे तो होते होते सब कुछ व्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो भाग गया, ओए हमारे घर का सबसे फिट इंसान ये रहा, सबसे फिट यूट्यूबर छुटंकी। वो लेबर तो लेके आए हैं साथ में, तो लेबर लगी पड़ी है शीशे वीशे साफ करने में। मैं तो देखो जी मेरे बस की भी कुछ नहीं है, मैं मच्छरों से इतना दुखी हूँ अपने पुराने घर में, मुझे रात को 3 बजे उठा दिया था मच्छरों ने, और उसके बाद मैं सुबह 6 बजे तक उठा ही रहा, मतलब मेरी हालत बहुत बुरी थी, पैर सुजा रखे थे मच्छरों ने बुरी तरह, तो उस चक्कर में मेरे को नींद बहुत आ रही है। बाकी अभी शेविंग नहीं कर सकता, मेरा मन था शेविंग करने का, नवरात्रे चल रहे हैं शेविंग नहीं कर सकता मैं, नवरात्रे ख़त्म होते ही शेविंग कर लेंगे, ठीक है जी। सो गाइस मंदिर देख लो यार कितना सुंदर लग रहा है, पापा ने जस्ट अभी इसकी लाइट्स ऑन कर दी हैं, अलग ही लग रहा है वो। देखो बाबू पूजा करने के लिए पहुंच भी गई वहाँ पे, बाबू भगवान को तो रखने दो उधर, अभी अभी तो बाबू पूजा होगी इसकी मंडे को ना। सर बाकी इतनी सारी बातें तो आप लोगों से कर ली हैं, एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, पूरी तरह नहीं बताऊंगा क्या बात है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि पिछली फैमिली ट्रिप्स पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये देखो हमारे छोटे उस्ताद बहुत शोर शराबा कर रहे हैं घर में। सो बात कुछ ऐसी है, बहुत जल्दी यहाँ घर शिफ्ट होने के बाद, घर तो नहीं मतलब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे जब, उसके बाद एक और
फैमिली सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। सर हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह पे जो हमारे हिंदू धर्म में ना, हमारे सनातन धर्म में हम लोगों के दिल के बहुत करीब होती है। तकरीबन हर इंसान वहाँ जाना चाहता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बीच वाली जगह है और हमारे भगवान की जगह है। तो आप लोगों के लिए सस्पेंस छोड़ दिया, गैस करके कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। और बस कुछ ही दिन की बात है, जैसे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे उसके कुछ दिन में हम लोग निकल जाएंगे, फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे हमारे फैमिली ट्रैवल सीरीज के। जब तक आप लोग कमेंट में गैस करके बता सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उससे पहले यहाँ पे पूजा का व्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे, घर में शिफ्टिंग कैसे होगी कैसे नहीं, सामान वगैरह कितना ला रहे हैं कितना नहीं। ये देखो भाई इसको पेन दिख गया, पेन दिख के तो दीवारें गंदी करने की पूरी तैयारी। अभी वॉलपेपर बना देगी अपने वाले चूहे और वो बिल्ली। अरे वाह इससे बात नहीं बनेगी, नकली चीजें नहीं चाहिए मुझे। ये देखो वैक्यूम क्लीनर की भी इसने क्या हालत कर रखी है, बाबू ने इस पे सारा पाउडर गिरा रखा है घर पे, टेलकम पाउडर जो होता है ना। देखो कैसे ऐसे मेरा बच्चा। यार हम तो यहाँ बातों में लगे हुए, बाहर तो मौसम ही कुछ अलग हो गया, गजब 5 बजने को है शाम के। अलग ही मौसम हो रखा है यार, छोकरी की खुशी देखो, इसको जूस निकाल के दे दिया मम्मी ने थोड़ा संतरे का, कितना खुश हो गई। बाबू मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओहो ये देखो बंदर। सो गाइस पीहू का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज, देख लो मैं टेम्परेरी विजिट करना था यहाँ पे, लेकिन लैपटॉप लेके आई है अपना काम करने के लिए ना, इसका असाइनमेंट मिले हुए थे 3-4 वो करने के लिए, प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर है नहीं। सो यार चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, टाइम देख लेते हैं एक बार कितना हुआ है। सो 6:30 हो गए हैं शाम के, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, पिछले शॉर्ट्स में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताना नया घर कैसा लगा। आज हमने अनबॉक्सिंग करी अपने आईफोन की और अपने इंस्टा 360X3 की, हालांकि बहुत दिन पहले कर चुका था मैं वीडियो में, तो आज दिखाया आप लोगों को। बाकी सफाई वगैरह करी है थोड़ा सा हमने नए घर में। तो चलो यार कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, घर की पूजा दिखाएंगे आप लोगों को और उसके बाद आप लोगों के लिए आ रही है सरप्राइज ट्रिप फैमिली वाली। चलो बाय बाय।